हाय एवरीवन, आइए देखते हैं। अब आने वाली है दिवाली, तो करवा चौथ तो गया, तो दिवाली आने वाली है, तो हम लोग तो कुछ ना कुछ भाई बनाते रहते हैं। और हम औरतों का काम ही कुछ ऐसा है कि घर में जो बचे खुचे चीज़ें होती हैं उसे कुछ अच्छे से डिश का नाम देना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल के आटे का चकली। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, या एक कटोरी कह लो या एक कप कह लो, मैंने लिया है मैदा का आटा, मैदा लिया है, और दो कप इसमें यानी दो कटोरी में डालूंगी चावल का आटा। आप चाहे तो एक कप बेसन, एक कप चावल का आटा, एक कप मैदा भी कर सकते हैं। बटना ऐसे क्या होता है, बहुत क्रंची बहुत कुरकुरी बनेगी आपकी। और फिलहाल के लिए तो आप एक जैसा चाहो आप कर सकते हो, बट ऐसे बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। आज मैं मेजरमेंट तरीके से बताऊंगी कि चकली चावल के आटे का कैसे बनते हैं। यहाँ पे अजवाइन मैंने क्रश करके डाल दिया है, यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, फिर चिली फ्लेक्स डाल दिया है एक चम्मच, जीरा एक चम्मच डाल दिया है, और उसके बाद मैं डालूँगी भैया चटपटा करने के लिए थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल दो, फिर गरम मसाला डाल दो, जो फ्लेवर आप चाहिए वो फ्लेवर ले लो। ऐसे चकली में कोई फ्लेवर नहीं होता, एक चकली मसाला आता है वो ज़रूर डालिए। ये देखिए मैंने काला पाउडर यानी क्या बोलते हैं इसको, सोचर क्या काला नमक भी बोलते हैं, तो काला नमक मैंने एक चम्मच डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं डालकर पहले से मैं छलनी से छाल के ये सब रखी हूँ। दोस्तों छलनी से छालने से ऐसे होता है कि मतलब एकदम फ्लफ़ी, और इसका गुठलियाँ जो होता है निकल जाती है, एकदम एयर आ जाती है ना, तो इससे अच्छा होता है, एकदम खुद ही आपको लगेगा। यहाँ पे फिर भी मैं चम्मच से चला दे रही हूँ सब, और नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला क्योंकि काला नमक भी मैंने डाला है, तो ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए मैं तेल रिफाइन नहीं, ये सेंग तेल मेरा है, आप रिफाइन का भी यूज कर सकते हो, राई का मत कीजिएगा, कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रख दिया है कड़कने के लिए, लगभग ये 5 चम्मच है बड़े चम्मच से। और यहाँ पे देखिए इस तेल को मैं इतना धुआंदार नहीं करूँगी, थोड़ा सा कड़काऊँगी और इसको डालूँगी अपने बैटर में यानी कि उसी आटे में। ये मैं ठेले वाला चकली बता रही हूँ आप सबको, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताऊँगी, बहुत ही अच्छे से बनेगा। आने वाली दिवाली इतने आटे में आप पूरे आस पड़ोस पूरी फैमिली को आप खिला सकते हो, आस पड़ोस में बांट भी सकते हो। और यहाँ पे तेल देखिए इतना मतलब कड़का कि इसमें डाला तो गरम गरम ऐसे, तो इसको मतलब मोयम जिसको बोलते हैं, तो मोयम का इसमें मैं मुख्य भूमिका है, और मोयम इतना डालिए कि जैसे ये क्रिस्पी एकदम बने, और क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मोयम तो ज़रूरी होता है भाई। तो मेरा लगभग एक कलछुल मोयम था, और उसके बाद में ये छोटा मेरा भगोना पड़ रहा है तसला, और इस बड़े वाली तसली मैंने डाल दी हूँ भगोने में। अब क्योंकि दोनों हाथों के मदद से इसको अच्छे से मोयम को मिलाना है। एक हाथ से दोस्तों मैं मोबाइल पकड़ी हूँ इसीलिए मेरा एक ही हाथ से दिखा रही हूँ, फिलहाल कोई नहीं, अब मैं रखूँगी कुछ ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से मोबाइल अपना, ताकि थोड़ा सा दिखते रहे। यहाँ पे देखिए मैं मसल मसल के इसको अच्छे से मोयम सब में मिला रही हूँ कोडिंग, ताकि अच्छे से हो जाए मसाला मोयम सब। तो बेसिक सी बात है कि मतलब कोई भी खस्ता चाहते हो तो मोयम तो आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के उसकी जान निकालनी नहीं है। फिलहाल मैं भूल गई थी, यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से डाला है थोड़ी सी चुटकी भर फूड कलर येलो, और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो हर खाने में होना ही चाहिए क्योंकि वो बेस्ट होता है हेल्थ के लिए, और कलर भी आ जाता है। तो आप अगर वाइट चाहो तो वाइट रख सकते हो, नहीं तो आप येलो ही करो। और वैसे तो एक आती है मार्केट में, मेरे पास तो नहीं है, आती है चकली मसाला, तो वो ज़रूर ले लिया करिए, बट मेरे पास नहीं है। यहाँ पे मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर, आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो, मैं आधा चम्मच डाली हूँ बेकिंग पाउडर। अब मेज़रमेंट जिस मैं कटोरी से ली थी आटा, उसी कटोरी से मैं पानी, 1.5 कटोरी मेरा लगा था पूरा, मतलब 3 कटोरी आटा था मिला के, 2 कटोरी चावल के आटा और 1 कटोरी मैदा के आटा, तो मतलब लगभग 1.5 कटोरी मेरा पानी लगा था। इस तरीके से मैंने 1.5 कटोरी में 1 चम्मच कम ही था शायद। अब यहाँ पे देखिए 1 कटोरी मेरा लग चुका है, मैं 2री कटोरी ले चुकी हूँ।
थोड़ा थोड़ा पुट्टा करके आपको ऐसे मसलना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ में डाल दो भैया तो फिर चलो। पहले हम लोग बचपन में यही करते थे ना, मम्मी आटा गूंथने के लिए बोलती थी तो पहले खूब शौक खुशी के नाते मैं कर लूँगी और यहाँ पे ढेर सारा पानी डाल के खूब गीला हलवा बनाकर उसके बाद फिर आटा लेकर मम्मी के छुपके से आटा लेकर उसको मिला मिला के इतना ज़्यादा आटा गूंथ देते थे हम लोग कि मतलब डांट भी पड़ती थी, याद है ना आप सबको। तो वैसा नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे आटा मसल के गूंथना है चकली का। और यहाँ पे देखिए ऐसे सॉफ्ट एकदम आटा गूंथ हो चुके हैं हम। अब इसको रखेंगे एक दो मिनट के लिए, 5 मिनट अगर टाइम हो तो, नहीं है तो 2 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे इतना पानी देखिए आधा कटोरी पानी बच गया है, यानी 1.5 कटोरी पानी मेरा पूरा लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा अच्छे से आटा तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है बनाने के लिए चकली। अब देखिए मैं चकली का मोल्ट ले ली हूँ। अगर आपके पास नहीं है चकली का मोल्ट तो आप दूध की थैली या कोई ऐसी पॉलीथीन जिसमें नोखेदार हो, फिलहाल मैं छत पर आपको दिखा रही हूँ, मैं नीचे से जाके दिखाती थैली में दिखा दी थी आपको ज़रूर कि कैसे थैली से बनाते हो। ऐसे सब जीनियस हैं ज़रूर, अगर ये मोल्ट नहीं होगा चकली का तो अपना जुगाड़ लगा लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास है तो मैं यहाँ पे मतलब ऑयल ग्रीस कर दे रही हूँ अच्छे से चारों तरफ, और लगाने के बाद क्या होता है चिपकेगा नहीं और आसानी से आराम से अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे थोड़े थोड़े करके ले रही हूँ, 3-4 भाग में मैं लूँगी थोड़े थोड़े ऐसे करके और उसी मोल्ट में डालूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। दोस्तों क्या है कि अब दीपावली आने वाली है, दिवाली की खुशियाँ तो बहुत ही होती है, भगवान करे सबके यहाँ दिए जलने की ऐसे रोजी हो और हमेशा इसी तरीके से सब चमकते धमकते रहें। लेकिन जो घर की औरतें हैं ना भैया, उनकी तो बैंड बज जाती है सिर्फ बनाने खिलाने में। अच्छा ये एक बात है कि ऐसी हम लोग की आदतें हैबिट हो गई है ना कि मतलब उबते नहीं हैं, अगर थक भी जाते हैं तो आलस नहीं करते कि नहीं मुझे अपने मतलब फैमिली के लिए क्या क्या। खैर कोई नहीं, अगर हस्बैंड या घर के जेंट्स नहीं सामान लाएं तो हम लोग भी घर में क्या करें, या तो खुद कमाते रहें तो अलग बात है, लेकिन वो बेचारे लाते हैं तो हम लोग को तो होना ही चाहिए कुछ बना के अच्छा खिलाएं। तो यहाँ पे बाहर का चकली ना ला के घर का उड़द के चकली और चावल के चकली जो भी आपके पास हो लेबल तो आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए बड़े आराम से आसानी से मैं ऐसे करके, अगर आपसे ऐसे ना बने तो लंबा ऐसे निकाल के फिर गोला गोला उसका राउंड कर दीजिए, बड़े आराम से ऐसे करके रख दीजिए, आपका ना चावल की चकली बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जान लीजिए जो कुछ नहीं करना चाहता वो भी ये शौक से करेगा, मज़ा आता है बनाने में। तो यहाँ पे मैं साइड में सब रख दे रही हूँ। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा मत। और ब्लैक पेपर में डालना भूल गई तो आप ब्लैक पेपर भी डाल दीजिएगा, नहीं काली मिर्च। तो ये सब मतलब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। फ़िलहाल तो मेरी तो ऐसी ही चल रही है। और यहाँ पे देखिए ये सारा मेरे सधज के तैयार हो गए हैं तलने के लिए, और यहाँ पे रेडी हो गई। दोस्तों चलते हैं अब इसको बैच बाय बैच तलते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया राई, शुद्ध घर का शुद्ध राई का तेल, और इसको बारी एकदम तड़कते नहीं तेल, मतलब थोड़ी सी पहले तेज रखना है, उसके बाद जब चकली डालने लगो थोड़ा सा स्लो कर दो, मीडियम टू फ्लेम रखना है आपको। तो यहाँ पे आप 4-5 जितना मैंने थोड़ा ही तेल लिया है, आप जैसा चाहो वैसा आप बैच भाई निकाल सकते हो, ऐसे मतलब ब्राउन बहुत काला ना रहे, धीमी आंच पे पकाओ ताकि अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या करें कि सोचते हैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाऊँ बताऊँ, तो नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आप सब बोलोगे कि अरे क्या बताती हैं, अच्छा नहीं मैं इनका मेजरमेंट। तो फिलहाल मैं ऐसे बताती हूँ गांव के तरीके से, गांव में हूँ भाई तो गांव के ही हिसाब से बताती हूँ। लेकिन ये मैंने कोशिश करने मतलब बताने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई कटोरी कोई ऐसा स्पून वगैरह, तो मैं अपने हिसाब से लगा लेती हूँ। बट बताइएगा कि आज की रेसिपी परफेक्ट मेरी तो बनी है, आप ये सुनिए तो आवाज़ तो बनी है आप भी इस तरीके से।
तो आप भी इस तरीके से कुरकुरी और टेस्टी बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ऊपर से चाट मसाला मिर्च डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।